और ये इनका काम है इंजेक्शन ठोकना, डॉक्टर साहब का काम है इंजेक्शन लिख के देना और उनका काम है इंजेक्शन ठोकना। ये देखो इंजेक्शन पे इंजेक्शन, बेगम बीमार है, उनको अस्पताल लेके जाना है। इंजेक्शन से बहुत डरती है, हॉस्पिटल जा नहीं रही है, 3 दिन से उसको बुखार है। तो अभी देखते हैं, अगर हॉस्पिटल जाती है तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं और इंजेक्शन भी लगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत? तबीयत ठीक है? खैरियत से ठीक आ, आ, बच, इंजेक्शन जो है बच्चों को नहीं लगाना है, उनकी माँ को लगाना है। बिल्कुल, उनको भी लगाएंगे, लेडीज मर्द जेंट्स सबको लगाएंगे। भाई हमने डॉक्टर को बोल दिया इंजेक्शन नहीं लगेगा। बिल्कुल लगाएंगे, जो इंजेक्शन के बगैर ये तो सीधे नहीं होते। इंजेक्शन के बगैर, इंजेक्शन के बाद एकदम से सब सेट हो जाते हैं। मैंने कहा यार क्या हो गया, कह रहे डॉक्टर साहब इंजेक्शन जो लगाया वो इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि वो दवा होती है। भाई हाँ, असल में वो इंजेक्शन नहीं होता, उसमें दवा होती है। दवा होती है इंजेक्शन में, तो इसलिए डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं। भाई लगाना जरूरी है, जरूरी है। तो आगे काफी काफी मरीज मुझे तंग करते हैं भाई, क्यों? अरे भाई दवा पी के आते हैं ना मेरे पास। बिल्कुल, पी पी के खराब हो के मेरे पास आते हैं। टीका लगाता हूँ, वो दवा होती है मरीज से। जैसे जैसे मैं दवाइयाँ पिला के बाद में पिला के आप आए हो, इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगाए, मिशाली दे रही है। अब ये देखो ये बच्ची जो है बैठी हुई है गुस्से में, तो गुस्सा करेंगे ये बच्चे मेरे पास, गुस्सा करते हैं बच्चे, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन बच्चे सेट हो जाते हैं। और ये इनका काम है इंजेक्शन ठोकना, डॉक्टर साहब का काम है इंजेक्शन लिख के देना और उनका काम है इंजेक्शन ठोकना। ये देखो इंजेक्शन पे इंजेक्शन। देखो यहाँ पे भी इंजेक्शन लग रहा है यार, सही से लगा रहे भाई, पुलिस वाला है। अच्छा पुलिस वाले को सही लगा और हमारे को ठोक दो। पुलिस वाले का ख्याल रखना भाई, आर्मी का पुलिस का ख्याल रखना होगा। शेजो फराज को आ जाएगा मुझे। इंजेक्शन लग रहा है, देखते हैं आपकी दादी को कितना इंजेक्शन लगता है। असल में विशाल जी जो है इंजेक्शन वाला जो लोग था, वो मैंने इसलिए वो सीन नहीं डाला था क्योंकि इसने बहुत हंगामा किया था, बहुत ज़्यादा शोर किया था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वो सीन ऐड करूँ, तो इसलिए वो सीन मैंने ऐड नहीं किया था। ये बच्चे उल्टियाँ शुरू हो गई, उल्टियाँ शुरू हो गई, तो मैंने ड्रिप लगाना था। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कैनुला लगा के फिर हमने ड्रिप लगाया, तो इसके जो है पेट कुछ बेहतर हुआ, नहीं तो जो है उल्टियाँ ये तो जो है बड़े परेशान थी बेचारी। हाँ ना, इसने भी बहुत गंदी गंदी की। बाकी आपकी भाभी का देखते हैं क्या सीन है इनको, वो भी इंजेक्शन से बहुत डरती है, इंजेक्शन लगवाती नहीं है। अभी उस तरफ वाली लेडीज वाली मोशन में बैठी है, तो यार ये मेडिसिन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लग रहा है? अरे ऐसा सुबह ठीक है, मेडिसिन दे देना यार। क्या बेटा लाओ, वो अंकल ही नहीं है ना, अंकल उसको कदम मैं उनको देता हूँ, तो उनको दे देता है, फिर ये बता देंगे उनको। यार ये मैं बेटी को लेके आया था 3-4 दिन पहले ना, तो ये सिरप में लेके गया था, इसके अंदर से कोई और बोतल निकली हुई और सील भी खुली हुई थी। अभी ये अपने वाइफ के लिए दवाइयाँ ले रहा हूँ मैं, इसमें इंजेक्शन वगैरह भी लिखा हुआ है। आपको थोड़ी लग रहा है ये, देखो भाई ये इंजेक्शन देखते के साथ ही घबराहट शुरू हो जाएगी।
मेडिसिन ले ली हमने इंजेक्शन के साथ। ये लो भाई बनाओ छुप के, पता नहीं चलना चाहिए इंजेक्शन है। ये लीजिए टेबलेट। समझा देना भाई किस तरह खानी है। समझा दे बाकी आप पक्का भाई अभी नाला बुदाएं मलकीस मलकीस विशाल को लगाऊं।